रनवी शो क्लिप्स में आपका स्वागत है youtube का एक इकलौता चैनल जहां तो आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगा स्पेशली जो जेनजीस हैं सोशल मीडिया की वजह से ग्लैमर की वजह से हर किसी को Ferrari लेनी है Lamborghini लेनी है पर्सनल फाइनेंस के थ्रू क्या ऐसी एक स्ट्रेटजी हो सकती है जहां आप पैसों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो मैं आपको बताता हूं कि एक चीज जो मैंने सीखी है पिछले दो तीन सालों में जी कि अगर आप अब एवरेज रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे ला पाओ और लंबे टाइम के लिए ला पाओ आई थिंक आपका पैसा बहुत बनेगा एक स्टडी बताता हूँ एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंडिया में एक स्टडी की थी जी. जिस म्यूचुअल फंड के रिटर्न बारह परसेंट है राइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट उनमें जिस इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न सिर्फ आठ है और ऐसा क्यों ये सबसे बड़ा सवाल है बिकॉज लोगों ने जब एंट्री की म्यूचुअल फंड में उस म्यूचुअल फंड में और लोगों ने जब एग्जिट किया वो टाइमिंग्स इतने गलत थे कि आपका पैसा सिर्फ आठ परसेंट बना भले ही उस म्यूचुअल फ़ंड ने बारह परसेंट बनाया तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से आपकी फ़रारी बन जाएगी नहीं बन जाएगी बट मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ कि आपकी जो भी गोल्स हो अगर आप गोल्स की तरफ प्लान करो और पेशेंस रखो तो वो गोल बन जाएंगे नाव वो गोल कितने रियलिस्टिक है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है अगर मेगा पैसे बनाकर सच में लंबोगनी लेनी है फरारी लेनी है आइलैंड खरीदना तो शायद आपको बिजनेस करना पड़ेगा राइट करेक्ट राइट बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती शायद लिटरली जितने भी इंसान मिले मुझे आज तक मे बी ओनली वन टू थ्री परसेंट लोग आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड रनिंग बिजनेस बहुत ब्रूटल चीज होती है बहुत मेंटल हेल्थ बैटल्स होते हैं तो क्या आपको सच में फरारी लंबोगनी चाहिए खुद से ये भी पूछिए क्योंकि जब आप मरोगे आप फरारी को याद नहीं करोगे आप अपनी फैमिली को याद करोगे तो रियली आज यू सेल्फ यहाँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा जरूरी है और ये मैं स्पेशली जेनजीज को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी यंग था मेरे भी सपने ऐसे ही थे लंबोगनी लेनी है ये वो वैसे अभी भी सपने <laughs> <laughs> अभी ले सकते वैसे पर अभी मन नहीं करता राइट right. बट मैं एक चीज बताता हूँ आपने विल स्मिथ की एक बुक है उस बुक में विल स्मिथ बोलता है कि यार वेन आई वॉज ब्रोक राइट तब मेरे एम्बिशन थे कि बहुत पैसा कमाना है करेक्ट बट जब मेरे पास बहुत पैसा आ गया आई एम स्टिल डिप्रेस बिकॉज अभी मेरे पास कोई होप नहीं है तो मुझे लगता है कि एक होप होना बहुत जरूरी है mm. कि एक फरारी की होप हो ah, एक बड़े घर की होप हो बिकॉज वो होप आपको ड्राइव करता रहेगा राइट mm. बट right? वो मुझे लगता है कि ये गारंटी नहीं कि जैसे आपका वो सपना पूरा हो आप बहुत खुश हो जाओगे आई डोंट थिंक दैट एक like थोड़ा पर्सनल देना जो फाइनेंस से शायद रिलेटेड नहीं है आई थिंक जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना आप फैमिली की कदर करने लगते हो हो right. और प्यार की कदर करने लगते राइट रिलेशनशिप्स right. uh, दोस्ती जो बचपन में आपके लिए जरूरी चीजें होती थी उनकी कदर फिर से करने लगते हो right. पर हर किसी का एक फेज होता है जहाँ उन्हें लगता है कि पैसा फेम सब कुछ है यही सब कुछ होता है बट इट्स इम्पोर्टेंट वो फेज भी इम्पोर्टेंट होता है और बहुत सारे हमारे लिसनर्स शायद उस फेज में अभी जोन इन है राइट right. तो नो no प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो फरारी के पीछे मत भागो, राइट right. और मुझे लगता है कि यार अपने को किसी और से कंपेयर करना इज द इजिएस्ट थिंग बट द बिगेस्ट फ्लॉ वो नहीं करना चाहिए अगर वो करोगे तो फोमो में फिर बिकॉज उन्होंने जितना फास्ट पैसा बनाया वो पैसा उतना ही फ्रजाइल होता है वो उतना ही फास्ट जाएगा राइट mm. right? आपको आपके गोल्स देखने और मुझे लगता है कि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा लोगों ने कंपनीज ने इन्फ्लुएंसर्स ने थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए कि यार हर एक के अपने अपने नीड्स अलग अलग है और उस हिसाब से करना जरूरी है और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम यह है mm. कि हमारे पास कोई वेल्थ एडवाइजर है नहीं मुझे वेल्थ के बारे में पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ बात करनी है आपसे बहुत डीपली जाकर ब्रेक डाउन करना है पर उससे पहले दो चीज़ें कहना चाहूँगा जब ये पूरा पर्सनल फाइनेंस का वेव चल रहा था इन्फ्लुंसर्स का वेव चल रहा था यूट्यूब पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को फाइनेंशियल एडुकेशन मिल रही है भारत को एडुकेशन मिल रही है पर मैं साथ में ये भी डेफिनेटली सोच रहा था कि हर कोई ये सिखा रहा है कि पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करें पर कोई भी ये नहीं सिखा रहा है कि पैसों को कमाए कैसे right. वो एक पूरी तरह से अलग स्किल होती है करियर स्किल्स बिजनेस स्किल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हो और अकॉर्डिंग टू मी वो शायद एटलीस्ट मेरे लिए मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा जरूरी इसके बाद yeah, right. क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आप सीख लोगे पॉडकास्ट के थ्रू पर पहले ये सीखें कि पैसे कमाए कैसे खुद को इम्प्रूव कैसे करें रहे सहमत नो हंड्रेड परसेंट मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें बहुत क्रिटिकल है जो हमारे एजुकेशन में मिसिंग है मुझे लगता है कि ये दो तीन सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट रहे कि आप किससे शादी करते हो mm. आप किस सिटी में रहते हो आप किस करियर को चूज़ करते हो और आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो ये लाइफ के चार सबसे बड़े सवाल हैं मेरे हिसाब से और ये चारों सवाल हमें कभी नहीं सिखाए गए अनफॉर्चुनेटली हमें अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है नाउ विथ डिजिटल कॉन्टेंट आपके जैसे लोग जब बताते हैं एक्सपीरियंस थोड़ा लर्निंग उससे आता है राइट right? बट ये एक पीस है जो बहुत मिसिंग है और मुझे लगता है कि इन पे फोकस होना चाहिए रादर देन ओनली मल्टीप्लाइंग मनी मल्टीप्लाइंग मनी इज वेरी इजी वे टू अट्रैक्ट व्यूअर्स नहीं। राइट नहीं ये बाकी की चीज़ें उतनी क्रिटिकल है ओके आगे बढ़ने से पहले मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है मेरे एक फेवरेट रैपर है उनका नाम है जे कोल उनका एक सॉन्ग है लव योर्स उस गाने के लिरिक्स बेसिकली ये है कि आ, चाहे जितना भी बड़ा आपका घर है किसी और का घर आपके घर से बड़ा होने वाला पर यह जरूरी नहीं है ये ज़रूरी है कि उस घर के अंदर के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं फिर ये कहते हैं कि चाहे आपकी गाड़ी जितनी भी बड़ी हो उससे भी बेहतर गाड़ी किसी की होगी पर आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है राइट सो देर इज नो सच थिंग एज अ लाइफ दैट्स बेटर देन योर्स राइट बट जिंदगी का फर्स्ट रूल ये होता है कि खुद की जिंदगी से प्यार करो फिर पैसों के बारे में सोचो नॉलेज अपनाओ नॉलेज को यूज़ करो और फिर पैसों को मल्टीप्लाई करो राइट right. ओके okay? अभी हम पैसों को मल्टीप्लाई करने की बातें करेंगे और डेफिनेटली ये मैंने धोनी से सीखा है धोनी ये कहते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी गलतियां करी तो आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये होगी कि अगर आपने उन गलतियों को स्टडी नहीं किया और आप ये कह रहे हो कि अभी बहुत सारे लोगों ने पैसों को लेकर बहुत सारी गलतियां की हैं पिछले तीन चार सालों में मल्टीप्लाई भी किया है पैसों का सीखा भी है तो गलतियां भी कर आप अभी इस कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे लेना चाहोगे सो मुझे लगता है आई थिंक एक और चीज इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए कि ये आर्ट ऑफ मनी मेकिंग है क्या और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही आर्ट है जो नेगेटिव आर्ट है और मैं बताता हूँ नेगेटिव का मतलब क्या है ये आर्ट वो है कि जो आप उतना बेहतर कर पाओगे जितने आप गलतियों को कम करोगे आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है mm. और ये जो जनरेशन है जिसने चार पाँच सालों में आ, बहुत सारी चीज़ें सीखी है समझी है ट्राई की है गलतियाँ की है मुझे लगता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन वो ज़रूरी है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं और बस उनको हटा दो आपको कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है कि अगर व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि कोई एक मंत्रा मिल जाएगा कि जिससे आप पैसा दो गुना या चार गुना हो जाएगा वो नहीं होने वाला है बट आप आपकी गलतियाँ कम करो कि यार पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है फोमो हटाना कितना इंपॉर्टेंट है लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो अलोकेशन कितना सो so, जो जो गलतियाँ चार पाँच सालों में की है मुझे लगता है कि वो हटाओ और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है आपका पैसा वैसे ही बहुत अच्छे से बढ़ेगा और पैसा बढ़ने के साथ जो मेंटल पीस है वो आएगा ओके okay. uh, अभी डीप चलते ठीक है भारत में अभी हो रहा क्या है स्पेशली uh, जब अगेन जब गवर्नमेंट बात करती है तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में चर्चा होती है एटसेट्रा एटसेट्रा बट असली भारत में क्या हो रहा है मुंबई दिल्ली बैंगलोर चेन्नई के बाहर सो so, मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ आपको 200 सौ मिलियन लोग हैं 20 करोड़ लोग हैं जिनके पास 20 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास एफ है इंडिया में और इनमें से बहुत सारे लोग आपके टीयर वन टीयर टू और छोटे छोटे सिटीज़ में गाँव में रहते हैं राइट जो लोग जिन्होंने अभी बैंक अकाउंट बनाया है जो लोग एफ में इन्वेस्ट करने लगे हैं ये सारी चीज़ें करने लगे मुझे लगता है ये जो इंडिया का बीच का पूरा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो है इनका पैसा बहुत फास्ट बन रहा है बिकॉज देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस पीपल राइट इंटरनेट के वजह से मोबाइल के वजह से इंडिया की ग्रोथ की वजह से इन सारों का पैसा विल ग्रो फास्टर दैन द टॉप पीपल टॉप वन परसेंट ऑफ इंडिया और ये मुझे लगता है कि बहुत रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए बिकॉज दिस मनी राइट ये वाला जो वर्किंग फोर्स है राइट दिस विल ड्राइव द मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फॉर इंडिया ये मैं एग्जैक्टली exactly नहीं समझा आपने ये क्यों कहा कि ये स्लैब का पैसा मल्टीप्लाई करेगा मतलब right. क्या कर रहे है? नहीं टॉप वन परसेंट के पास ऑलरेडी बहुत है का का 12, होना होना, mm. आसान, right? so मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़ने वाला है बट उसके साथ यही प्रॉब्लम आएगा कि इन लोगों को विथ जब इनके पास पैसा ज्यादा होगा गाइड कैसे करेगा कौन बताएगा इनको आज जो टॉप वन परसेंट ऑफ इंडिया है उनको गाइड करने के लिए वेल्थ मैनेजर्स है बहुत सारे लोग है. बट इनको गाइड करने के लिए कौन है इज़ वेयर आई थिंक इस विजन के साथ भी हमने स्टेबल मनी शुरू किया है right? राइट कि यार ये जो 200 मिलियन है और 300 मिलियन का लोग होने वाले हैं जिनका पैसा बढ़ने वाला है इनको सही एडवाइस कैसे दी जाए इनको सही प्रोडक्ट्स कैसे बताए जाए और कैसे आसान किया जाए सिर्फ 200 मिलियन क्यों है अगर भारत की आबादी वन पॉइंट बिलियन और आप कह रहे हो कि सिर्फ टू मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं बाकी का क्या हाँ सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिस इज द प्रॉपर पिरमिड दैट यू विल फनी कंट्री इंडिया में ये दो सौ मिलियन वाला बेस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल गेट अपग्रेडेड फास्टर दो सौ मिलियन हमारे देश का मिडिल क्लास है दो सौ मिलियन हमारे देश का मिडिल क्लास और शायद आप लोअर मिडिल क्लास मान लो वो है राइट okay. जो मिडिल क्लास बनेगा और ये मिडिल क्लास में भी शायद स्लाइटली अपर मिडिल क्लास बनेगा बट हाँ मोटा मोटी इतना नंबर है ओके okay. और ये मुझे लग रहा है कि दिस इज द वेरी बैकबोन ऑफ इंडिया क्यों बिकॉज right? मतलब इनके साथ नीचे के लोगों को भी दे विल स्टार्ट ड्राइविंग राइट वो फेज कब स्टार्ट होगा आई थिंक मुझे लगता है इट विल टेक फाइव टू टेन ईयर्स फॉर इट टू कंप्लीटली स्केल अप और जो आपका नीचे का बेस है वो धीरे धीरे ऊपर बनेगा बिकॉज ये थोड़ा सा टॉप टू बॉटम स्ट्रैटेजी होती है राइट right? कि जो मतलब पहले वो वाला

इंक्लूडिंग घर का खर्चा हाँ तो मुझे लगता है बाईस हज़ार में से मैं वो वाले स्पेंड्स हटा देता हूँ जो बहुत जरूरी है जैसे आपका रहने का खाने का ट्रैवल का ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो बहुत ज़रूरी है लग से कि बाईस हज़ार में से वो सात हजार रुपये आपका खर्चा पंद्रह हज़ार बचे अब इस पंद्रह हज़ार की प्लानिंग करनी है इस पंद्रह हज़ार में से मैं रखूँगा सात से आठ हजार रुपये उन जगहों पर जो मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न देगा जैसे एफ हो गए गोल्ड्स हो गए राइट या आ, आपके बैंक में है पैसा इमरजेंसी फंड की तरह के सो वो सात से आठ हज़ार रुपये बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा आप कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए या फिर बहुत लंबे टर्म के स्लाइटली रिस्कीयर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख सकते हो सो बाईस हज़ार में से सात आठ हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो गया पंद्रह हज़ार में से सात आठ हज़ार रुपये आपने आ, सेफर एसेट्स में रखे और बचे हुए जो पाँच छः हज़ार रुपये वो पैसा मुझे लगता है कि आप डिवाइड कर सकते हो स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स में या किसी और शॉर्ट टर्म नीड के लिए इमरजेंसी फंड के लिए पता है इसी कैटेगरी में ये जो बचा हुआ पैसा है जहाँ आप कह रहे हो कि थोड़ा मीडियम रिस्क वाले एसेट्स में डाल दो स्पेशली ट्वेंटी से लेकर शायद ट्वेंटी सिक्स तक क्योंकि तब आपकी शादी की बातें होने लगती है फैमिली में राइट उसके पहले

अगर आपको अमीर बनना है ना आज के ज़माने में इंग्लिश एक स्किल होती है आप ना ही अर्बन सेंटर्स में ग्रोथ पाओगे पर शायद इंडिया के बाहर भी आपको ग्रोथ मिलेगी इंग्लिश सीखने के थ्रू तो. ये मुझे लगता है कि नॉट नॉट ओनली आपको इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रोथ होगी मुझे लगता है कि बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया की बाहर हो रही है जी। वो अगर आपको समझनी भी है तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश आना जरूरी है राइट सो ये बहुत सही है आई थिंक ये एडवाइस मैं लेके जाऊँगा इस पॉडकास्ट से कि एक पैसा आपको आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करना है और वो ज़्यादा होना चाहिए जब आपकी एज कम हो रॉनी स्क्रू वाला ने कहा था कि आज के ज़माने में एडुकेशन एक्चुअली कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है राइट right. जो भी चीज़ों से आपको पैसा मिलेगा वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी बाईस साल की उम्र के बाद दैट इज द ट्रूथ कॉलेज में हम नहीं सीखोगे ये सब मुझे लगता है आई थिंक कॉलेज ने हमको सिर्फ नेटवर्क दिया है या दोस्त दिया है दोस्ती प्यार राइट मतलब ये जो इमोशनल चीज़ है वो मिलती है कॉलेज से स्किल सेट्स नहीं मिलते और इसलिए आए तो पर्सनली फील कि जो आपने कहा कि वो जो पैसे बचते थोड़ा सा खुद पे खर्चा करो दोस्तों right. ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ